हेलो फ्रेंड्स, मैं और एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ मेरे चैनल पे, लेकिन ये जो वीडियो सीरीज़ हो जाएगा, ये वीडियो सीरीज़ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर होगा। तो आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है इन्फेक्शन एंड डिजीज़। तो पार्ट वन ये वीडियो है, तो और इसके पार्ट्स जो है मेरे धीरे धीरे अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उस लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे वीडियोस। ठीक है, चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे कुछ कीवर्ड्स जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। फर्स्ट इज इन्फेक्शन, द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। द जर्म्स मे बी बैक्टीरिया, वायरसेस, ईस्ट, फंजाई और अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट कीवर्ड इज डिजीज, अ पार्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करना, नेगेटिव इफेक्ट उसके बॉडी में डालना, या तो फिर कुछ फंक्शन है उसमें भी इम्पेयरमेंट आ जाए, तो वो है डिजीज स्टेट। ठीक है, तो हम लोगों के बॉडी जो है, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है, वो नेचुरली होता है फुल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, लेकिन ये माइक्रोब्स हर वक्त हम लोगों के बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में डिफेंस सिस्टम, दैट मींस इम्यून सिस्टम होते हैं जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कभी भी अगर हम लोगों का इम्यून सिस्टम वीकन हो जाए, तब क्या हो जाए, तो या तो फिर जो कोई एक पार्ट हो जहाँ पर एब्रेशन हो रहा है या तो फिर कट हो रहा है, उसके थ्रू अगर एंट्री हो रहा है बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम लोगों के बॉडी में वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेंगे कि पैथोजेन क्या है। सो पैथोजेन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। पैथोजेंस आर डिफरेंट एंड कॉज डिजीज अपॉन एंटरिंग द बॉडी। तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजेन नहीं होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी में एंटर करता है और डिजीज कॉज करता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग जान लेंगे होस्ट और पैथोजन इंटरेक्शन। जैसे कि हम लोग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म के बारे में बोलूँगी कि अगर वो होस्ट है, ह्यूमन बॉडी जैसे होस्ट होते हैं, वैसे बाकी एनिमल्स अगर होस्ट है, तो पैथोजेंस जो है उनके साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों के बॉडी में इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम, एज अ डिफेंस सिस्टम वो काम कर रहे हैं हम लोग के बॉडी में, लेकिन फिर भी हम लोग डिजीज, हम लोग के बॉडी में डिजीज हो रहे हैं, तो ये कुछ इंटरेक्शन होता है जिसके बाद ही ये डिजीज स्टेट हम लोग के बॉडी में वो जो है वो तैयार होता है। तो हम लोग देख लेंगे क्लिनिकल पिक्चर एंड आउटकम ऑफ एन इन्फेक्शन इंक्लूड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द होस्ट एंड इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म दैट डिफर वाइडली डिपेंडिंग ऑन पैथोजन इन्वॉल्व। दैट मीन्स हर एक पैथोजन जो है वो एक ही तरह का जो है वो सिम्टम्स या तो फिर साइन वो एक ही तरह का नहीं होता है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो हम लोग कुछ देख लेंगे डिटरमिनेंट्स जो पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस को एस्टेब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट इज एडेशन टू होस्ट सेल और एडेसिन। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट सेल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें अगर वो एडेशन कर सकता है प्रॉपरली, जैसे कि उसके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। अगर एडिशन है वो प्रॉपरली वो होस्ट सेल के ऊपर वो एडिशन कर पाता है, तो पैथोजेनेसिस उसका स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्रीचिंग ऑफ होस्ट एनाटोमिकल बैरियर्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ टिश्यूज। दैट मीन्स जब एडेशन हो रहा है होस्ट सेल में, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो एनाटोमिकल बैरियर्स है उसको वो इन्वेड करेगा, उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ब्रेक करने के बाद कॉलोनाइज करेगा टिश्यू में। इट्स लाइक कैसे हो रहेगा, सोचिए एक स्टोरी मैं बता रही हूँ कि कोई एक चलिए घर में हम लोग घर में रहते हैं, तो हम लोग के पास दरवाज़ा भी होगा, तो बाहर से कोई एक पर्सन आ रहा है, तो आके क्या करेगा, नॉक नॉक करेगा। अगर वो नॉक ना कर सकते हैं, मतलब हम लोग लॉक करके नहीं रखते हैं, तो वो आके नॉक कर सकता है। तो अगर सडनली हम लोग वो दरवाज़ा को लॉक करके नहीं रखते हैं, वो इजीली एंटर कर सकता है। वैसे सेम वो अगर एडेशन कर रहा है बॉडी में, होस्ट सेल के बॉडी में, फिर वो अगर एनाटोमिकल बैरियर, जैसे कि डोर हो गया हम लोगों का एनाटोमिकल बैरियर, अगर डोर को हम लोग ओपन रखते हैं, या तो फिर कोई भी सडनली हम लोग भूल जाते हैं कि वो डोर को खुला रखते हैं, तो ये
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। सेम एनाटॉमिकल बैरियर को वो अगर ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो पर्सन अगर नेगेटिव मेंटेलिटी लेके आया है तो हम लोगों वो क्या कर सकता है, हम लोगों के लिए वो हार्मफुल है। तो सेम वो कॉलोनाइजेशन जो है टिश्यू में, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वो होता है कि वो आ रहा है, वो ब्रेक कर रहा है, फिर एंटर कर रहा है, फिर क्या कर सकता है, वो कॉलोनाइज करते हैं टिश्यू को, क्योंकि उसका एम क्या है, उसको बचना है, उसका रिप्रोडक्शन करना है, उसको न्यूट्रिएंट लेना है। तो वो इसलिए होस्ट सेल से वो न्यूट्रिएंट, वो उसका जो शेल्टर है वो उसको होस्ट सेल से मिलता है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजीज विल बी स्ट्रेटजीज टू ओवरकम एंटीफेगोसाइटिक मैकेनिज्म। दैट मीन्स जब भी कोई हम लोग के बॉडी में कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, तब नेचुरल हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी वो दिखाता है। लेकिन अगर पैथोजन वो अगर स्मार्ट हो, इतना स्मार्ट हो कि वो फेगोसाइटिक मैकेनिज्म को वो अवॉइड कर सकता है, तो दैट मीन्स दैट इज एंटी फेगोसाइटिक मैकेनिज्म अगर वो इवॉल्व करता है तो क्या हो जाएगा, वो ईजिली हम लोग के बॉडी में वो डिजीज कॉज कर सकता है, वो घर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और भी कुछ इंटरेक्शन देखते हैं। नंबर फोर, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसे कि वो एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, उसको ओवरकम कर लिया, लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी होता है हम लोग के बॉडी में, जो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो पैथोजन को देख कर ही उसके अगेंस्ट पर रेडी होता है। तो वो सारे इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ IgA प्रोटीएस, मॉलिकुलर मिमिक्री एंड इम्यूनिजन वेरिएबिलिटी। दैट मीन्स ये सारा प्रोसीजर वो अगर इवॉल्व कर सकता है, दैट मीन्स वो पैथोजन अगर IgA प्रोटीएस को प्रोड्यूस कर सकता है, या तो फिर मॉलिकुलर मिमिक्री करता है, या तो फिर इम्यून जन वेरिएबिलिटी, ये सारा स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है, तो वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो हम लोग की ह्यूमन बॉडी में है उसको भी अवॉइड कर सकता है। दैट मीन्स देखिए, नाम है IgA प्रोटीएस, तो क्या कर सकता है IgA प्रोटीएस, प्रोटीएस मतलब वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो IgA इज हम एंटीबॉडी है, तो ये प्रोटीएस एंटीबॉडी को ब्रेक डाउन कर सकता है, तो एंटीबॉडी इज काइंड ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज मॉलिकुलर मिमिक्री। मॉलिकुलर मिमिक्री वो होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अपना ओन मटेरियल, मतलब कुछ अपना जो मॉलिक्यूल्स है उसको तो हम लोग का इम्यून सिस्टम एज ए फॉरेन मटेरियल वो उसको ट्रीट नहीं करता है, उसका सेम कॉन्फ़िगरेशन वो अगर अडॉप्ट कर लेता है, वो पैथोजन उसको वही सेम मॉलिकुलर मिमिक्री करता है, तो तब भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो धोखा खा सकता है। नेक्स्ट इज इम्यूनोजन वेरिएबिलिटी, मतलब पैथोजन अपना जो एंटीजन है उसमें इतना वेरिएशन ला रहा है, तो इतना वेरिएशन होने से स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बहुत टाइम लगता है कि हाँ इसको देख के इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना, उसके अगेंस्ट में कुछ साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करना, इसमें टाइम रहता है। तो ये सारा स्ट्रेटजीज अगर कोई पैथोजन फॉलो कर रहा है तो उसके क्या होता है कि वो आसानी से हम लोग के बॉडी में स्पेसिफिक इम्यूनिटी को वो धोखा दे सकता है और डिजीज़ कॉज कर सकता है। नंबर फाइव इज डैमेज टू होस्ट टिश्यूज ड्यू टू डायरेक्ट बैक्टीरियल साइटोटॉक्सिटी, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एक्सोएंजाइम। ठीक है, तो कुछ पैथोजन जो है वो हम लोग के बॉडी में टिश्यू में डायरेक्टली वो इफेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वो साइटोटॉक्सिसिटी दिखा सकते हैं, दैट मीन्स सेलुलर लेवल में सेल को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो है साइटोटॉक्सिसिटी। कुछ एक्सोटॉक्सिन, कुछ टॉक्सिन वो सिंथेसिस करते हैं, वो टॉक्सिन हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है, सेम लाइक एक्सोएंजाइम। ठीक है, ये सारा प्रोड्यूस करके वो भी हम लोग को बॉडी में हार्म कर सकते हैं और डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिक्स, डैमेज ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द मैक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, व्हाट इज मैक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मींस जो होस्ट सेल है वो उसको डिफाइन कर रहा है कि होस्ट सेल में क्या होता है, जब भी कोई एक अनयूजुअल कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर तब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, तब ये पैथोजन जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में अगर डैमेज कर देते हैं तब भी क्या होता है, ये फर्स्ट सिग्नलिंग एक्शन को ये बंद कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट सिग्नलिंग एक्शन अलार्म नहीं बज रहा है तो बॉडी में कैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में ही वो पॉज कर रहे हैं हम लोग के बॉडी के डिफेंस सिस्टम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि ह्यूमन पैथोजन कितने टाइप का होता है।
देखिए, फर्स्ट इज सब सेलुलर बॉडी बायोलॉजिकल एंटिटीज, नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। इसमें बहुत सारा टाइप्स है, तो पहले हम लोग देख लेंगे सब सेलुलर बायोलॉजिकल एंटिटीज क्या है। वो है प्रियॉन एंड वायरसेस। दैट मीन्स ये सब सेलुलर क्यों है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट एक डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि प्रियॉन जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये इनका डिटेल्स, फिर भी मैं बता रही हूँ कि प्रियॉन जो है एक प्रोटीनियशियस मेटेरियल, एक इन्फेक्शस जो एंटिटी है, ये इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि इसका कोई साइटोप्लाज्म, कोई इसका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारा कुछ नहीं होता है। सेम वायरसेस में भी देखें, सेम इसका सिर्फ एक डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक प्रोटीन कोट होता है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या आ रहा है, क्लैमाइडिया आ रहा है, रिकेट्सिया आ रहा है, माइकोप्लाज्मा है, और क्लासिक बैक्टीरियाज है, मतलब बहुत सारा जो बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सारा। थर्ड वन इज यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये दोनों इंक्लूडेड है। अब आते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में है हेलिमेंथस एंड आर्थ्रोपॉड। ये सारा पैथोजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो फर्स्ट इज सब सेलुलर इन्फेक्शस एंटिटीज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये इनका कोई एग्जैक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई लिविंग स्टेट भी नहीं होता है। जब भी ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, या तो फिर उनका जो मतलब एक्टिव स्टेट अगर हम लोग देखें तो ये एक्टिव स्टेट ऑलवेज इनसाइड द होस्ट सेल ही होता है। फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे वो क्या है, दैट इज प्रियॉन। प्रियॉन्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट कॉज डीजेनरेटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेज सच एज क्रूसपेल जेकॉब डिजीज, कुरू, स्कॉर्पियो इन शीप एंड बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये सारा डिजीज जो है ये प्रियॉन जो है ये कॉज करता है। और प्रियॉन क्या है, वो है एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसका कोई एग्जैक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। ये एक सिर्फ एक प्रोटीन पार्टिकल है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज वायरस। वायरस इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये वर्ड फिर से आ रहा है, ऑब्लिगेट। मेरे और भी फर्स्ट वीडियोस जो है उसमें भी मैंने बताया था ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, ये सारा मीनिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं दूसरे मेरे वीडियोस में। तो ऑब्लिगेट क्यों है, क्योंकि मतलब इसका लिविंग स्टेट जो है ना ये डिपेंडेंट है कि होस्ट के अंदर ही अगर ये वायरस जा सकता है तभी ये इसका लिविंग स्टेट हम लोग देख सकते हैं, मतलब ये परफॉर्म करता है अपना मेटाबॉलिज्म जो भी हो ये कर सकता है। और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत ही छोटा है। तब इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए। पॉजिस नो एंजाइमेटिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम। दैट मीन्स अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखें या तो फिर हायर ऑर्डर कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें, वो मेटाबॉलिज्म कर सकता है, उसमें एंजाइम मशीनरीज होते हैं, वो उसको हेल्प उसको यूज़ करके वो रिप्रोडक्शन करता है या तो फिर अपना दूसरा अपना मेटाबॉलिज्म कर सकता है। लेकिन अगर वायरस को देखें उसमें कोई भी एंजाइम ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है, और उसमें क्या है, नो प्रोटीन सिंथेसिस अपरेटस। दैट मीन्स इसका अपना जो है प्रोटीन कोट भी जो है ना ये होस्ट सेल का जो सिस्टम है उसको हायर करके वो यूज़ करता है। मतलब अपना इसके पास डीएनए है या तो फिर आरएनए है और एक प्रोटीन कोट होता है। जैसे हम लोग रफली एक ड्रॉ करिए, देखिए अगर ये एक वायरस है, इसका प्रोटीन कोट हो जाता है और इसके अंदर ऐसे एक डीएनए या तो फिर आरएनए होता है, ठीक है। और ये आउटसाइड जो प्रोटीन कोट है ना, ये वो होस्ट सेल में जब वो जाता है डिजीज़ कॉज करता है, अपना रिप्रोडक्शन भी करता है, बाकी सारे प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, लेकिन ये सारा मेकेनिज्म जो करता है ना वो होस्ट सेल का मशीनरीज को यूज़ करके करता है। अपना उसके पास कुछ नहीं है, अपना सिर्फ डीएनए है और एक प्रोटीन कोट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं जो एज अ पैथोजेंस होते हैं. फर्स्ट इज क्लासिक बैक्टीरिया. दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी ट्रांसवर्स फिशन. दे डू नॉट पोजेस एनी न्यूक्लियस लाइक यूकैरिया. दैट मीन्स फर्स्ट जो है वो प्रोकैरियोट है. प्रोकैरियोट पैथोजन को हम लोग देख लें. फर्स्ट इज क्लासिक बैक्टीरिया. तो वो क्लासिक बैक्टीरिया क्या करता है, क्लासिक बैक्टीरिया जो है इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. क्या नहीं होता है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है लाइक यूकैरिया. और ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है. नेक्स्ट इज क्लैमाइडिया. दिस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स दैट आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन सर्टेन ह्यूमन सेल्स ओनली एंड आर फाउंड इन टू स्टेजेस. द इन्फेक्शियस नॉन रिप्रोडक्टिव पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री बॉडी. देखिए क्या हो रहा है, इसका दो स्टेट आ रहा है ये क्लैमाइडिया का. जो ऑब्वियसली देखिए इसका भी सेम है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट सेम. वो अगर होस्ट सेल के अंदर जा रहा है तब होस्ट सेल के अंदर वो दोनों स्टेज में ये मिल सकता है, या तो फिर ये इन्फेक्शियस स्टेज में होगा या तो फिर वो नॉन इन्फेक्शियस स्टेज में होगा. तो इन्फेक्शियस स्टेज जो है उसका नाम है एलिमेंट्री बॉडीज, और जो नॉन इन्फेक्शियस स्टेज है उसका नाम है रेटिक्यूलेट बॉडी. ठीक है, ये क्लैमाइडेमिया में होता है. नेक्स्ट इज रिकेट्शिया. दिस ऑर्गेनिजम्स आर सेम एज लाइक क्लैमाइडिया. दे आर ऑल्सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, बट इनका शेप देखिए रॉड शेप्ड है या तो फिर कॉकेट हो सकता है. लेकिन ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन बाइनरी ट्रांसवर्स फिशन से ही करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोप्लाज्मा. तो माइक्रोप्लाज्मा ये तीनों से अलग क्यों है, क्योंकि इनके पास जो है कोई सेलवल नहीं है. देखिए माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विदाउट रिजिड सेलवल, सो दे आर फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. जैसे कि इनके पास कोई सेलवल नहीं है तो इनका कोई फिक्स फॉर्म भी नहीं है, प्लियोमॉर्फिक होता है. ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिक होने से इनका बहुत सारा डिफरेंट इसका शेप आ सकता है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देख लेंगे. तो फर्स्ट इज फंजाई. फंजाई इज नॉन मोटाइल इक्वाटिक, दैट मीन्स वो मूव नहीं कर सकते. इसके पास कोई पीली फ्लैजेला ये सारा कोई एक्स्ट्रा सेलुलर अपेंडेजेस नहीं है. देन इसका सेलवल जो है ये रिजिड सेलवल है इसके पास, और सेल न्यूक्लियस भी है. जैसे कि यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है. तो इस ये ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स ये फंजाई जो है ना, ये इसके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता. जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, नॉन फोटोसिंथेटिक है. और इसका और एक फीचर क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक है. जैसे कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली इट विल बी डिपेंडेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म जो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, या तो फिर वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, हम भी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहे. ठीक है, सेम फंजाई भी डिपेंडेंट है. सो ऑफ मोर देन 50,000 फंगल स्पीशीज ओनली अबाउट 300 इज नोन एज ह्यूमन पैथोजन. दैट मीन्स इसमें बहुत सारे स्पीशीज है ये फंजीज फंगल स्पीशीज, लेकिन इसमें सिर्फ 300 ही जो है अब तक जाना गया है कि यही ह्यूमन पैथोजन होते हैं. और मोस्टली फंगल इन्फेक्शन तभी होता है जब भी हम लोग के बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जो है ना, डिफेंस सिस्टम, वो अगर कोई भी रीज़न से जैसे कि मेडिकेशन से या तो फिर कोई भी एक डिजीज स्टेट में अगर वो वीक होते हैं तभी फंगस जो है हम लोग को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. नेक्स्ट यूकैरियोटिक पैथोजन इज प्रोटोजोआ. दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरियस साइजेस एंड फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक. जैसे कि ये प्रोटोजोआ जो है ये बहुत सारे साइजेस में आते हैं, बहुत सारे इसका वेरिएशन होता है साइज एंड शेप में. ये फ्री लिविंग होता है या तो फिर वो पैरासिटिक भी हो सकता है. दे पॉजेस अ न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम एंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्यूडोपोस, फ्लैजेला, सिलिया, काइनेटोप्लाज्म. तो ये इनके पास क्या है, जैसे कि यूकैरियोट्स है तो ऑब्वियसली इनके पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा. न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम और न्यूक्लियस इन सबके बाद इनके सेल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इनके पास कुछ मूवमेंट कर लेके ये जैसे कि फ्री लिविंग है ऑब्वियसली मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनके पास फ्लैजेला हो सकता है, सिलिया हो सकता है. ठीक है, मेनी पैरासिटिक प्रोटोजोआ आर ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपॉड वेयर ए मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इन्फेक्शियस स्टेज टेक प्लेस इन द वेक्टर. दैट मीन्स ये वेक्टर एक वर्ड है, तो ये होता है क्या
कि ये प्रोटोजुआ जो है ये ट्रांसमिट करने में आर्थ्रोपोड हेल्प करते हैं ह्यूमन में। ये प्रोटोजुआ जो है इनका वेक्टर होता है आर्थ्रोपोड, और इनका होस्ट जो है ये मोर देन वन होता है, मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बींग, आर्थ्रोपोड ऑल्सो देयर होस्ट। तो ये आर्थ्रोपोड इस इनके लोगों के लिए वेक्टर के माफिक काम करता है, ठीक है। तो वेक्टर के जैसे वो काम करते हैं, तो इनका जो इन्फेक्शन स्टेज जो है ये वेक्टर में भी हो सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी ये वेक्टर के अंदर हो सकता है, दैट मीन्स ये आर्थ्रोपोड के अंदर। और दूसरे स्टेजेस जो है वो और दूसरा जो अगर इसका सेकेंड होस्ट है उसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, लास्ट वन इज एनिमल्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे हेलिमेंथिस। पैरासिटिक वर्म्स बिलोंग टू एनिमल किंगडम। दिस आर मेटाजोअन ऑर्गेनिज्म विद हाईली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स। मेडिकली सिग्निफिकेंट ग्रुप्स इंक्लूड द ट्रिमाटोड्स, सेस्टोड्स एंड निमाटोड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए हेलिमेंथ्स जो है ना, हेलिमेंथ्स ये पैरासिटिक वर्म्स हैं जो कि एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं, मतलब ये यूकेरिया में बिलोंग करते हैं। तो अगर यूकेरिया में बिलोंग करते हैं और इसके साथ इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये हाईली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, और ये मेनली क्या है, वो वर्म्स है। देखिए फ्लैट वर्म्स भी हो सकते हैं, टैप वर्म्स भी हो सकते हैं, या तो फिर राउंड वर्म्स। ये सारा हेलिमेंथिस में आते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपॉड। जैसे कि मैंने कहा था ये वेक्टर्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। दिस एनिमल्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाई ए एक्सटर्नल काइटिन स्केलेटन। देखिए ये बहुत जो इसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर जो है ये क्या है, काइटिन स्केलेटन। सेगमेंटेड बॉडीज, दैट मीन्स इसका बॉडी पार्ट पार्ट में आता है। जॉइंट लेग्स, स्पेशल माउथ पार्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक फीचर। जैसे कि एलिमेंट्स एक हाईली डिफरेंशिएटेड ये ऑर्गेनिज्म है, सेम आर्थ्रोपॉड्स जो है ये भी एक एडवांस ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया या तो फंजा इनके जैसे नहीं है, ये एडवांस स्टेज में है। सो देयर रोल एज अ डिरेक्ट कॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज इज अ माइनर वन। दैट मीन्स देखिए सेम हम लोगों ने वो वर्ड देखा था वेक्टर, जहाँ पर आर्थ्रोपॉड वेक्टर मतलब वेक्टर एज अ वेक्टर वो काम करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये डायरेक्ट कॉजिटिव एजेंट नहीं है, अगर है भी तब भी ये वो माइनर होता है, मतलब कोई खूब मतलब इसमें बहुत लेस कंडीशन लेस नंबर्स में वो ऐसे हो सकते हैं कि वो डायरेक्ट कोई डिजीज कॉज कर रहे। इनका जो मेन फीचर है ना ये एज अ वेक्टर ही होता है, मतलब ये ट्रांसमिट करता है वायरसेस को, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एलिमेंट। इनका मेन फीचर ये अगर देखें, ये इसका जो है अगर हम लोग देखें ये आर्थ्रोपॉड को स्टार मार्क कर रही हूँ कि ये इनका मेन जो फीचर है ये है वेक्टर। ये पास ऑन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ये माइक्रो दूसरे माइक्रोब्स को, या तो फिर वो हेलिमेंथिस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस मैंने यूज़ किया है ये वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अगर डिटेल में और कुछ जानना चाहते हैं तो ये सारी को यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वीडियो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बना रही हूँ, तो इसका और भी पार्ट आने वाला है नेक्स्ट में। आप लोग ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट्स ऑब्वियसली कीजिए, मैं वेट करूँगी। थैंक यू सो मच।